सही बच्चों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे विद्युत धारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। धारिता का मतलब ये होता है कि जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, जिसका पिछला वीडियो मैंने बना रखा है, ये एक संधारित्र होता है। संधारित्र मतलब एक ऐसी युक्ति जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए हुए उसकी धारिता को बढ़ा देता है। ऐसी युक्ति जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए हुए उसकी धारिता को बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं संधारित्र। ये क्या काम करता है कि ये चार्ज को एकत्रित करता है, जिससे उसके पास एनर्जी एकत्रित हो जाती है। संधारित्र का क्या क्या होता है, ये संधारित्र मतलब धारिता मतलब किसी भी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता, किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे, उसकी विद्युत धारिता कहते हैं। जो विभव का सूत्र होता है, V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। इस सूत्र से स्पष्ट है कि यदि आवेश का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि यह अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश बढ़ाते तो विभव का मान भी बढ़ता है, यानी आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसका वोल्टेज भी बढ़ता है, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी चार्ज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, इंक्रीज होता है। अब यदि यहाँ समानुपाती हटाए हम बराबर लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं सी वी, ये सी क्या कहलाते हैं, नियतांक कहलाता है, कॉन्स्टेंट कहलाता है, और इसी नियतांक को हम चालक की क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। तो यहाँ से हम सी का मान निकाल सकते हैं, तो सी बराबर हो जाएगा Q/V। यानी अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे, किसी चालक पर आवेश की मात्रा और उसका विभव, इन दोनों का जो अनुपात होता है, रेशो अनुपात, उस अनुपात को हम चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू और उस चालक का विभव वी, इन दोनों का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को हम चालक की धारिता सी कहते हैं। तो यहाँ से हम चालक की धारिता की परिभाषा लिख सकते हैं। तो विद्युत धारिता किसको कहेंगे, कि किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को हम विद्युत धारिता कहते हैं। जैसे जैसे किसी चालक को आवेश देते जाते हैं, उसका वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है, यानी वोल्टेज जो होता है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती हटाते थे, कांस्टेंट लगाते हैं, और C=Q/V हो जाएगा। आवेश और विभव, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो उसका धारिता कहलाती है। अब यदि इसका मात्रक देखें, हम मात्रक निकाले यहाँ से, तो C=Q होता है Q/V, Q/V, क्यू मतलब कूलाम, वी मतलब वोल्ट, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, और इसी कूलाम प्रति वोल्ट को हम फेरेड बोलते हैं, फेरेड कहते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम फेरेड कहते हैं। अब यदि इसकी विमा निकाले हम, डायमेंशन विमा, तो आवेश की विमा होती है AT, C=Q होता है Q/V, V का फार्मूला, V की विमा आपने पता नहीं, इसको हम W/Q लिख सकते हैं, क्योंकि V बराबर होता है W/Q, वोल्टेज का फार्मूला W/Q, ये Q ऊपर चले जाएगा, तो Q×Q/W, Q की विमा AT होती है चार्ज की, ये Q की विमा भी AT, इसकी भी AT और इसकी भी AT, दोनों की AT, और कार्य की विमा होती है L²T-Q। तो इस तरह से इसकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, ये m ऊपर चले जाएगा (10^-1), (L²), ये t ऊपर चले जाएगा (t^-2), और ऊपर +2 तो (t^4) हो जाएगी, और a² हो जाएगा। तो (10^-1), (L²), (t^4) और a², ये इसकी कैपेसिटी की विमा या डायमेंशन होगी। तो इसका मात्रक फेरेड, कूलाम प्रति वोल्ट को हम फेरेड बोलेंगे, और इसकी जो मान विमा होगी ये लिख दिया हमने। अब इसमें एक कूलाम का जो मान होता है, एक फेरेड का जो मान होता है, ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, 8.99 या डायरेक्ट लिख सकते हैं 9×10^11 स्थिर फेरेड के बराबर होता है। एक फेरेड का मान 9×10^11 स्थिर फेरेड के बराबर होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।